कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में चूक के बाद सीआरपीएफ ने एसओपी का रिव्यू किया है। अब बिना वेरिफिकेशन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घर में दूसरे रिश्तेदारों की गाड़ियां नहीं घुस सकेंगी। 25 नवंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर सुरक्षा में चूक हुई थी, उसके बाद ये बदलाव किया गया है। साथ ही एसपीजी प्रोटेक्टी से सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा पाए 5 लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी के यहां नए एसओपी के आधार पर सुरक्षा के कदम जो है वो उठाए गए। उन्नाव मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, कल देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ साफ झूठ बोला कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। हर रोज ऐसी घटनाओं को देखकर मन में रोष होता है। भाजपा नेताओं को भी अब फर्जी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए। लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में फंसे प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में मामले की पिछली सुनवाइयों के दौरान जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध करने के साथ ही हिरासत में लेकर पूछताछ की बात कही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने नागरिकता संशोधन बिल पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी के साथ किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ है। हमारा मानना है कि भारत हर किसी का है, सभी समुदाय, सभी धर्मों और सभी संस्कृतियों का। उन्होंने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपनी अपनी कल्पना में जीते हैं, बाहरी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि पार्टी नागरिकता संशोधन विधेयक के मौजूदा स्वरूप के खिलाफ है। मायावती ने मांग करते हुए कहा है कि सरकार को इस विधेयक के पहलुओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक को संसदीय कमेटी को भेजने की मांग भी की। केंद्र सरकार के द्वारा लाए जा रहे नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया अब सामने आए हैं। फुटबॉलर से नेता बने बाइचुंग का कहना है कि हमारी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी, भले ही अभी सिक्किम इस बिल से सीधे प्रभावित न हो रहा हो, लेकिन लंबे समय के लिए यह बिल खतरनाक साबित हो सकता है। भूटिया ने कहा कि सिक्किम में इस बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और सीएम ममता बनर्जी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के लिए विधानसभा का गेट नहीं खोला गया। विधानसभा स्पीकर ने राज्यपाल को लंच के लिए बुलाया था, लेकिन एन वक्त पर कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। इसके साथ ही 2 दिन के लिए विधानसभा को बंद कर दिया गया। इसके बावजूद गवर्नर जगदीप धनखड़ विधानसभा पहुंच गए। मेन गेट बंद होने के कारण उन्हें गेट नंबर 2 से सदन में प्रवेश करना पड़ा। टीएमसी द्वारा विधानसभा की कार्रवाई अचानक स्थगित होने का आरोप राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर लगाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि न तो वो रबड़ स्टैंप है और न ही पोस्ट ऑफिस है। उन्होंने कहा, मैं संविधान के आलोक में विधेयकों की जांच करने और बिना विलंब के काम करने के लिए बाध्य हूं। इस मामले में सरकार की तरफ से देर हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दो टूक कहा है कि बीजेपी पी चिदम्बरम या किसी अन्य के खिलाफ बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। गडकरी ने उल्टा आरोप लगाया है कि ये पी चिदम्बरम ही थे जिन्होंने अतीत में यूपीए सरकार के दौरान गुजरात के तबके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ उन्हें भी फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन सभी निर्दोष साबित हुए। वहीं नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आंतरिक विरोधाभास के कारण शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने बीजेपी को अहंकारी बताते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हमला किया है। शिवसेना ने सामना में लिखा है, जोड़ तोड़ की राजनीति अब नहीं चलेगी। झारखंड में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में भी बीजेपी हारेगी। महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए फडणवीस सरकार के फैसलों पर लगाम लगाई है। 4 बड़े नेताओं की चीनी मिलों की कर्ज की
बैंक गारंटी भी रद्द कर दी गई है। बीजेपी के पंकजा मुंडे, विनय कोरे, एनसीपी के धनंजय और कांग्रेस के कल्याण काले के कारखाने इसमें शामिल हैं। ठाकरे सरकार ने फडणवीस सरकार की जलगांव की 3 और ठाणे की 1 सिंचाई परियोजना की मान्यता जो है वो रद्द कर दी है। फडणवीस सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 135 करोड़ कर्ज के लिए गारंटी दी। 1984 सिख दंगा को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन गृहमंत्री नरसिम्हा राव और अगर आईके गुजराल की सलाह मान ली होती तो सिख दंगा को टाला जा सकता था। बुधवार को मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कही। कर्नाटक की येदियुरप्पा की अग्नि परीक्षा है। आज कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। 9 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। येदियुरप्पा को राज्य की सत्ता में बने रहने के लिए 15 सीटों में से कम 6 सीटें जीतने की जरूरत है। विधानसभा में 1 निर्दलीय के साथ बीजेपी के पास 105, कांग्रेस के 66 और जेडीएस के 34 विधायक हैं। आयोग करार दिए गए 13 विधायकों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान 7 दिसंबर को होना है। आज शाम 5 बजे दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। दूसरे चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 260 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी के 20, कांग्रेस के 6, जेएमएम के 14 और जेवीएम के 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा बीएसपी के 14, टीएमसी के 5 और 73 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जिन 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, 2014 विधानसभा चुनाव में 8-8 सीटों पर बीजेपी और जेएमएम का कब्जा था, जबकि 2 सीटों पर एजेएसयू जीती थी और 2 अन्य के खाते में गई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर रखा है। इस कड़ी में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आज बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में इन दोनों दिग्गजों की चुनावी सभा होनी है। जेपी नड्डा जमुआ में जनसभा करेंगे जबकि योगी आदित्यनाथ जुगसलाई, बागबेड़ा और ईचागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अब लोकसभा और विधानसभाओं में अलग से एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी। मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। यूपी राजभवन को उड़ाने की धमकी के मामले में नया खुलासा हुआ है। धमकी भरा पत्र लाल रंग से लिखा गया था। पत्र को लेकर आईबी समेत एटीएस जांच में जुट गई है। झारखंड के उग्रवादी संगठन टीएसपीसी ने धमकी दी थी। इस केस में हजरतगंज पुलिस और एटीएस झारखंड जाएगी। 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या में पुलिस की निगरानी बढ़ गई है। प्रशासन ने 6 दिसंबर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 6 दिसंबर को ढांचा विध्वंस की बरसी पर विश्व हिंदू परिषद शौर्य दिवस मनाएगा। जिले में धारा 144 लागू की गई है, साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। अयोध्या और फैजाबाद नगर स्थित पूरे जिले में पुलिस को लगातार गश्ती पर रहने के निर्देश भी दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश देते हुए हिदायत भी दी कि समय रहते जनता की शिकायतों को दूर किया जाए। गोरक्षपीठ में सुबह से ही फरियादियों का आना जो है वो शुरू हो गया था। इस दौरान राज्य के अलग अलग शहरों से लोग अपनी समस्याएं लेकर यहां पहुंच रहे थे। इस दौरान मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। रेप पीड़िता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश के बाद पूरे उन्नाव में हड़कंप मचा हुआ है। 90% जल चुकी युवती की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रेप पीड़िता के साथ इस साल मार्च में रेप की घटना घटी थी। उन्नाव में रेप पीड़िता को जिंदा जलाने के मामले में 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मुख्य आरोपी शिवम द्विवेदी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। शुभम, हरिशंकर, उमेश वाजपेयी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्नाव मामला आज राज्यसभा में भी उठा। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। यूपी के हाथरस से लाइव मारपीट का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। जमीन विवाद को लेकर प्रधानपति और उसके बेटों ने एक दुकानदार को जमकर पीटा है। पीड़ित व्यक्ति ने अब थाने में तहरीर दी है। पूरा मामला थाना चंदप्पा क्षेत्र के गांव तुरसैन का बताया जा रहा है।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गोबरसही चौक के पास सिंडिकेट बैंक को लूटने के मकसद से पहुंचे आधा दर्जन अपराधियों में से एक अपराधी को भीड़ ने धर दबोचा और 20 सड़क पर ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। बैंक लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से अपराधी को बचाकर निकाला और मेडिकल कराने के लिए लेकर गई। बैंक में लूट की कोशिश नाकामयाब रही। अपराधियों ने मौके पर एक फायरिंग जरूर की लेकिन लूट में असफल रहे। मध्य प्रदेश के रीवा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क पर खड़े ट्रक से तेज रफ्तार की बस जो है आ टकराई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को रीवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। मौसम परिवर्तन के कारण दिल्ली NCR की हवा गुरुवार को बेहद खराब रही। आनंद विहार में AQI का लेवल जो है 489 तो वसुंधरा में 492 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली वालों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। वहीं ठंड ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर संसद भवन के परिसर में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में पी चिदम्बरम ने भी हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर हमला बोला। चिदम्बरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर निर्मला सीतारमण प्याज नहीं खाती तो क्या खाती है, क्या वो एवोकाडो खाती है। देश में प्याज की कीमतों को लेकर आम आदमी बेहाल है और राजनीतिक दल मोदी सरकार पर इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हैं और ऐसे परिवार से आती हैं जहां प्याज लहसुन का ज्यादा मतलब नहीं है। निर्मला सीतारमण के इस जवाब पर सदन में ठहाके लगने लगे। भारतीय तटरक्षक बल ने अरब सागर में खराब स्थितियों में फंसे 264 मछुआरों को बचा लिया है। तटरक्षक बल ने इस बचाव मिशन में व्यापारी जहाजों की मदद ली है। तमिलनाडु मत्स्य प्राधिकरण कोलाचल से तटरक्षक बल को संदेश मिला कि गोवा से पश्चिम की ओर 250 समुद्री मील की दूरी पर 50 नाव जो है वो फंस गए हैं। इसके बाद बल ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जाल एक्टिवेट कर इन मछुआरों की जान बचाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने GDP का अनुमान घटा दिया है। रेपो दर 5.15% पर बरकरार रहेगी। 3 दिसंबर को मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई थी और आज 5 दिसंबर को रेपो रेट की घोषणा हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा के ऐलान से पहले शेयर बाजार में गुरुवार को कारोबार की शुरुआत हरे निशान में हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो सेंसेक्स 114 अंकों की बढ़त के साथ 40,964 पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें निफ्टी 28 अंकों की बढ़त के साथ 12,071.25 पर खुला। रिजर्व बैंक के ऐलान पर शेयर बाजार कारोबारियों की नजर में। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अपनी कारों पर भारी डिस्काउंट ऑफर्स दे रही है। इनमें कंज्यूमर डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, कॉरपोरेट बोनस के साथ ही रूरल ऑफर भी शामिल है। कंपनी की तरफ से जिन कारों पर ये ऑफर्स दिए जा रहे हैं उनमें मारुति सुजुकी की ऑल्टो, ऑल्टो K10, वैगन आर, सिलेरियो, सिलेरियो एक्स, स्विफ्ट डिजायर और विचारा ब्रिजा शामिल है। पिछले 5 दिनों से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गुरुवार को देश के सभी महानगरों में पेट्रोल के दाम स्थिर रहे। राजधानी दिल्ली में पिछली बार रविवार को पेट्रोल के भाव में 5 पैसे का इजाफा हुआ। आज सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी नजर आई है। विदेशों में सोने के दामों में आई तेजी के चलते दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 525 रुपए से उछलकर एक महीने के उच्चतम स्तर 39,795 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। साथ ही चांदी भी 2 दिन के नरमी से उबरती हुई 800 रुपए की छलांग लगाकर करीब एक महीने के उच्चतम स्तर 46,400 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई। ब्रिटेन की जेल में बंद भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले का ट्रायल 11 मई से शुरू होगा।
पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में याचिका लगाई है। बुधवार को मामले की सुनवाई के लिए 28 दिन के बाद नीरव मोदी को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल नीरव मोदी लंदन की वेड्सवर्थ जेल में बंद। हांगकांग का पानी के एक जहाज को नाइजीरिया के तट के पास समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया। इसमें 18 भारतीय सवार बताए जा रहे हैं। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाली एक वैश्विक एजेंसी ने यह जानकारी दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीयों के अगवा होने की खबर मिलते ही भारतीय दूतावास के अफसरों ने नाइजीरिया से संपर्क साधा ताकि घटना के बारे में और ब्यौरा हासिल किया जा सके, साथ ही अगवा भारतीयों को रिहा भी कराया जा सके। सूडान की राजधानी खार्तूम में चीनी मिट्टी की एक फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 18 भारतीयों की मौत हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे अभी सलूमी स्थित एक फैक्ट्री में विस्फोट की जानकारी मिली है। इस हादसे में 18 भारतीयों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस धमाके में कुल 23 लोगों की मौत हुई जबकि 130 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन नाटो की न्यूज कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है। नाटो समिट के बाद यह न्यूज कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ट्रंप ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। नाटो के दो दिवसीय बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार पत्रकारों के लंबे सवालों के बड़े जवाब देते नजर आए। इस दौरान उन्होंने मजाकिया टिप्पणी के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर नाराजगी जाहिर की और पूर्व निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द भी कर दिया। अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल शिपयार्ड में बुधवार दोपहर गोलीबारी हुई। इस कारण शिपयार्ड को बंद कर दिया गया। ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि शिपयार्ड में गोलीबारी हुई है। यह हादसा दोपहर करीब 2:30 पर हुआ। इस कारण शिपयार्ड को बंद कर दिया गया। इस घटना में कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 2 गंभीर हालत में। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बॉब का बुधवार को निधन हो गया। वो 70 साल के थे। बॉब विलिस ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 1971 में की थी और आखिरी टेस्ट मैच 1984 में खेली थी। अपने दौर के आला तेज गेंदबाजों में शुमार होने वाले विलिस ने 90 टेस्ट मैच खेले और 325 विकेट झटके। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने जिस आईसीसी के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज का ताज जो है वो गवा दिया था, अब उसे दोबारा हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में नाकामी के बाद अब स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली 928 की रेटिंग के साथ नंबर 1 पर बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर स्टीव स्मिथ 923 की रेटिंग के साथ फिसल कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। डेविड वार्नर ने वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा से मुलाकात की। वार्नर ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 335 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अब लारा से मिलने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन वो इस दिग्गज का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो कैरेबियाई दिग्गज लारा के साथ हैं। उन्होंने कैप्शन लिखा, दिग्गज से मिलना सुखद रहा। वेस्टइंडीज ने मोंटी देसाई को 2 साल के अनुबंध पर पुरुष टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। भारत के खिलाफ 3 T20 मैच से पहले देसाई विंडीज टीम से जुड़ेंगे। शुक्रवार को T20 सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। मोंटी देसाई ने 12 साल से अधिक के करियर में अफगानिस्तान, नेपाल, कनाडा, भारत के क्षेत्रीय टीमों के अलावा IPL में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात लायंस को प्रशिक्षित किया है। भारतीय टीम के खिलाफ T20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम ने कमर कस ली है। शुक्रवार को दोनों देशों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। मैच से पहले विंडीज टीम के कोच फिल सिमंस ने गेंदबाजी प्लान का खुलासा किया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली के बारे में सिमंस का कहना है कि उनको रोकना बड़ा लक्ष्य होगा। वेस्टइंडीज के कोच सिमंस ने भारतीय कप्तान की बल्लेबाजी को लेकर बयान देते हुए कहा कि उनके गेंदबाजों को कोहली के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। कर्नाटक प्रीमियर लीग मैच फिक्सिंग मामले में क्राइम ब्रांच ने राज्य क्रिकेट एसोसिएशन की प्रबंध समिति सदस्य सुधेंद्र शिंदे को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा था। वो लीग में
बेलगावी पैंथर्स टीम के कोच भी रह चुके हैं। शिंदे कर्नाटक के लिए 18 फर्स्ट क्लास और एक लिस्ट ए मैच खेल चुके हैं। वो रायचूर जोन से कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जहां इस साल जून में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने 2019 के पुरस्कार विजेता के तौर पर चोपड़ा के नाम की घोषणा कर दी थी। प्रियंका ने न्यूयॉर्क के स्नो फ्लेक बॉल में पुरस्कार ग्रहण किया। प्रियंका ने पुरस्कार ग्रहण करने के बाद कहा कि समाज सेवा अब कोई विकल्प नहीं रह गया है, समाज सेवा जीवन का एक माध्यम बन गया है। लंदन में बुधवार को जारी एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के मुताबिक बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन को 2019 के साथ साथ इस दशक का सबसे सेक्सी एशियाई पुरुष जो है वो चुना गया है। हाल ही में वॉर और सुपर 30 जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले 45 वर्षीय अभिनेता ऋतिक रोशन ब्रिटिश साप्ताहिक समाचार पत्र ईस्टर्न आई द्वारा जारी वार्षिक सेक्सिस्ट एशियन मेल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। उनका चयन दुनिया भर के फिल्म प्रशंसकों के वोट, सोशल नेटवर्किंग साइट पर चर्चाओं के साथ साथ साल भर रहे उनके व्यापक प्रभाव के आधार पर किया गया है। सर्बिया की कड़कड़ाती ठंड में टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्म बागी 3 की शूटिंग कर रहे हैं। उनकी मां आयशा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर के साथ अपने बेटे के लिए इमोशनल मैसेज भी शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, अपने बेटे के साथ लोकेशन पर मौजूद हूं जहां वो नंगे बदन 0 डिग्री तापमान में शूट कर रहा है। डेडिकेशन, मेहनत, अनुशासन, विल पावर और परफेक्शन के साथ वो अपने सारे काम करता है और यही कारण है कि मैं उसकी फैन हूं। बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान जल्द कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में दिखाई देंगे। शो की पूरी टीम ने हाल ही में सलमान खान के साथ शूटिंग की है। इस मौके पर द कपिल शर्मा शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने सलमान खान के साथ शूटिंग के वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में अर्चना पूरन सिंह फैंस को बता रही हैं कि सेट पर अभी ब्रेक हुआ है, तभी कैमरा सलमान खान की तरफ घूमता है और वो हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या को लेकर लोगों के साथ साथ बॉलीवुड कलाकारों में भी काफी गुस्सा है। अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने भी इस पर रोष व्यक्त किया है। रानी मुखर्जी ने कहा है कि लड़कियों को चौकन्ना और पहले से और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। रानी ने कहा है कि माहौल और कानून को इतना सख्त बनाया जाना चाहिए कि कोई भी दुष्कर्म करने के बारे में सोच भी ना पाए। रानी ने ऐसे मामलों में सुनवाई को फास्ट ट्रैक किए जाने की मांग भी की है।